हाँ जी भाई, अब फाइनली आज का दिन आ गया, वो दिन जिसका हम सबको इंतजार था। तो क्या सीन है बॉस? रेडी? फुली? अरे सबर अच्छा, करो ना यार, अभी सही है डिस्कशन सही का टाइम नहीं है ना, तुम लोग बिल्कुल रेडी बैठे हुए हो। हाय, अरे कदा हो कल से मैं गया। स्टोरिया नहीं देख रहे इस वजह से। जोल, अच्छा क्या करना है, मैंने वहां पर रिकॉर्ड दबा देना है, ये देखो हाँ सही है ना? हाँ हाँ क्या हाँ बात है वही। डन है ब्रो, फिट है ब्रो, फिट है। फिट। एक सेकंड एक सेकंड, मैं जरा ये सर्च कर लूँ ना। जोल, जोल, OL। अच्छा क्या करना है, बहुत मुश्किल काम है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यार ऐसा करना है ना, यहाँ पे 3, 2, 1 के साथ वीडियो लगाएंगे। वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट है, और बस रिएक्शन डायरेक्ट। कुछ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ओके तो वीडियो लगा ले। अच्छा खैर है, बस ये आता रहेगा, फिर हम बीच में काट देंगे यार, जो भी होगा ना हमारी क्या बातें क्या, कौन शातें। सी चीज की वीडियो? सीजन 15। एक सेकंड एक सेकंड ना, वीडियो प्ले कर लें हाँ हाँ ना। प्ले कर लो, हेलो गाइस, हम है आपके जुनून प्ले सुशांत कर, प्ले करते हैं। अच्छा, थ्री थ्री टू 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 वन वन और गो गो। कुक स्टूडियो सीजन 15। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਵਾਂ। ਸੁਣ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਛੁੱਪ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਸ ਤੇ ਤੜਪਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਰਵੀ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਸੋਹਣੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਤੇ ਦੀਵੀ, ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਦੂਰ ਸਿਲਾਦ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਬੋ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਛੋਲ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ ਬੋ। ਸਜਣਾ ਕਿਆ ਵਾਂਗੋ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਟਾਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸਰੂਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂ ਗਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੱਜਦੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇਰਾ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੇ ਦੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਖੰਡ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਵੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਦਿਲ ਆਸਮਾਨ ਪਾਰ ਸੀ, ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਤੂੰ। ਕਰੀਏ ਕੀ
So proud of you yaar, love you yaar, so proud of you yaar, mashallah yaar, next level yaar, kasam se next level yaar, bahut ala. वैसे एक बात बताऊं, उस टाइम ना ये ट्रेन पे तुम बहुत जल्दी में थे, मगर वो बाद में आई है, सिक्की की बातों पे ध्यान ना दे. टू लेट, टू लेट यार. ये सिक्की का किस तरह मतलब यार, सिक्की के असल रंग दिख गए ब्रो. सिक्की के असल रंग ही वो असल में वो जो तीसरा बॉय था ना, वो वहां बैठे वो स्कीमिंग कर रहा था सारी. ओ अच्छा अच्छा, तो सिक्की का इसमें कोई कसूर नहीं था. सिक्की का कसूर नहीं था, सिक्की को फ्रेम किया गया. नहीं था, वो कानों में बातें कर रहा था, मुझे पता है उसी की का. ब्रो क्या सीन है, कैसा लग रहा है अभी? मतलब यार सीरियसली अब यार तो मजेदार है यार, यार फिट लग रहा है यार, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट थी, शुक्र है निकल आया. वाकई में सही बात है, एक्साइटमेंट के साथ साथ टेंशन भी थी कि निकलेगा भी कि नहीं. नहीं ये गाना आपने लिखा है पूरे का पूरा? हाँ जबरदस्त यार. बीच के शुरू की पहली जो दो तीन लाइनें हैं वो थोड़ी सी जुल्फी भाई ने भी लिखी थी मेरा ख्याल है, और आखिरी वो जो अनुरेल का पार्ट है वो मेलोडी जो है वो तलाल ने बनाई हुई है, और वो गा जो लिरिक्स रही है वो उसने खुद लिखा हुआ है, बाकी मैंने लिखा हुआ है. मगर ब्रदर यार मतलब जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन बहुत जो जो लिरिक्स मैंने तो असल में पहले ही देखा था ना मनु, वीडियो यार मतलब वीडियो तो कसम से फुल मूवी लग रही है ये. हाँ इसमें पूरी कहानी है, और हमने भी मतलब एक्टिंग की है पहली दफा सबने, तो मतलब एग्जैक्टली यार. थैंक यू यार, थैंक यू. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा थोड़ा सा इसमें ना कुछ कुछ रैप शेप होगा, कुछ इस तरह होगा, कुछ ये चीजें मैं, बट ये 160 180 पे बिल्कुल अलग. ये तो इतना सॉफ्ट, तो मेरे कसम 160 में थोड़ा सा टेढ़ा. और ये बहुत आला, एड इट टू द प्लेलिस्ट, दैट्स इट, कम ऑन ग्रीन टेक वाला Spotify. हम लोग आए नहीं यार, गलत दिन आ गए थे यार, है ना यार. अभी कल भी हम वैसे सोच रहे थे, मगर असल में एक दिन बाद फिर ईद है ना, तो और ये वाला सीन है, और असल में ये बंदा भी बहुत बिजी है. ये तो है बहुत बिजी, इसका कॉल ये तो ऑलरेडी कोक इसका आया हुआ है, तो इसका तो बनता है. ये तो बदल गया ब्रो है ना, बदल गया है ना मेरी तरह. ये तो फुल बदल गया, हम दोनों बदल गए, सिक्की भी बदल गए ब्रो. वीडियो ब्रो वाकई में ब्रो वीडियो अच्छी है. अच्छा ब्रो वीडियो का क्या सीन था, मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का सीन होगा? यार वीडियो का ना ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि वरना आप मतलब कैमरे में देख के फुल गा रहे होते हो, परफॉर्म कर रहे होते हो, और फिर आप साथ साथ मतलब आप जैसे जैसे शूट हो रहा होता है सब कुछ आपको समझ आ रहा होता है कि यार ये किस तरह का दिखेगा एंड में, मतलब कि क्या हो रहा है. ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि ये मतलब प्रॉपर शॉर्ट फिल्म थी एक तरह से, तो मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट सीन जिसमें मैंने सिर्फ एक तरफ देख के एक लुक देनी है या ये करना है या वो करना है, वो जब आप शूट कर रहे होते हो ना आपको समझ नहीं आ रही होती ज़्यादा कि ये मतलब कैसा लगेगा एंड में. लेकिन क्योंकि मैं पहली दफ़ा कर रहा था किस तरह के उसमें फॉर्मेट में, वरना तो हमेशा मतलब सिंपल परफॉर्मेंस वीडियोज ही की हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली साथ साथ गाना होता है ये वो, तो उस सेंस में ये मेरा ख्याल है काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस था, क्योंकि एंड तक कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसा दिखेगा और फिर दिखे एंड में. सही बात है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यार मतलब देख लो ना इस गाने को भी सही है, और अभी इसका ये सीन है ना कि मानू की जिस तरह की मतलब अभी लेट्स सपोज एक पर्सनैलिटी है प्योर रियल सही है, और अनुरल का भी ये सीन है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और गाने में वही शो हुआ है जो ये रियल में है. सही बात है, मतलब वो तो जाहिरी बात है दिल जले नहीं है दोनों but still मतलब जो है ना साफ दिल वाले सही है, वो दिख रहा है उनकी उनके फेसेस में इनोसेंस दिख रहा है.
सिक्की का पता चल सिक्की का दिल में है कुछ ना, कौन साफ दिला है और कौन नहीं उसका तो पता चल गया, मतलब उससे तो कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब और ब्रो इस बंदे से तो मुझे मिलवाओ, मैं इसे सीधा करता हूँ ब्रो। ये क्यों आपके पैर काट रहा है? तू बता तेरा मैनेजर है? नहीं वैसे तेरा मैनेजर है? नहीं ये नहीं, ये नहीं ब्रो, मेरा मैनेजर नहीं, वो दूसरा वाला। कौन? वो सक्सेसफुल उसको पकड़ लेंगे ब्रो, उसको पकड़ लेंगे। इधर यार आप बहुत जल्दी में थे, नहीं तो वो वापस आई थी कसम से, मैंने देखा है अभी वीडियो। अच्छा कि ये वीडियो आ गई, मुझे पता चल गया कि आई थी। टूट गया था ना, आप तो जल्दी में थे कि यार छोड़ो सब कुछ, मगर वो दुपट्टा लेके आई थी। मतलब वो मैं इस बात पे गवाहूं कसम से, जिसका दिल गंदा था उसका पता चल गया। उसने पोस्टर भी इस तरह किया ना, उसकी था। नहीं नहीं वो सिक्की नहीं था, वो दूसरा वाला था ना। अच्छा वो वही था जिसने फंसाया है सिक्की को। समझ नहीं आई, फिर से देखो बेटा। यार असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सारी चीजें थी। एक तो मैं करेक्टर्स को देख रहा था, एक तो मतलब आवाज जो गाना था उसको एंजॉय कर रहा था। और यार एक बार फिर देख लें, देख लेते हैं। मतलब तुम लोग देखो, मैंने तो बहुत दफा देखी हुई है ब्रो। तुम लोग देखो, मैं ज्यादा कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है क्योंकि एक बार में ये पॉसिबल नहीं है सब कुछ। आप तेनू मैं दिखावा दिलों रुस गईयां चावा, तेरी यादां च बिखरा मैं दुनिया सजावा। सुन वे मैं कित्थे जावा, हुण छुप गईयां रावा। मैं ते दस्या सी खाबां च तकिया सी, ले हुण दिन वी नी चढ़िया ते दिल च तू मेरे मन च तू। जदों ही नी होंदी पास ते तड़पदी रूह ते रवी तू करीब। सोनी हली ना तू जा, तू ही है मेरा नसीब। दीवी ना जावी दूर सिला दिते जिन्ने भी तू मंगदी है तारे। मेरी जान कदी वी ना डरी मेरे प्यारे, दिल च तू मेरी हसरत तू। असी तेरे उत्ते मर देने सुन देने क्यों। हुण तैरोस तेनू चांदे चांदे, तेरे उसन उत्ते मर दे हसी रोज। की करिए सजना वो हाँ तेरे ही छोल ते नच दे सारे, तेरे प्यार च करिए की हुण वो। सजना क्या मांगो, पुछा मैं एहसास कित्थे रखदे ने, गल्लां टाल दे ते नाल किवें हसदे ने। छड्ड दित्ती मैं उम्मीद सारी दुनिया तो, ए वी लोकां दीआं गल्लां च फसदे ने। नी मैं नी बोलदीआं झूठ मेरे ते तेरा ए सुरूर, तेरे उत्ते लिखा गाने सोहणे जचदे ने। दिलां दी यारी साडी वी दिलां दा नहीं ओ इक सुर नाल, रहना सी जरूर साडे तेरा ते। मेरा कोई होर नहीं है दस्से दत्ता दुनिया नू, जदों भी आवे अपने नाल लावे खुशियां। जदों भी दूर जावे जान साड़ी कट जावे, सजना है तेरे कोल वसना ही चावे। मुस्कुरा के ले लेती है साड़ी जिम्मेवारी, नी मैं नी कीती कदी भी तेरे तो बदगुमानी। तू मेरा यार सी दिल आसमान पार सी, हां दो दिलां दा प्यार सी, ओ प्यार ना सी कागजी पर। मेरी ख्वाहिश तू करिए कि हुण वो सजना।
रुक जाओ थोड़ा ब्रो, वो लास्ट में कुछ था, वो जो हम बैठे हुए थे ना प्रोसेस में, वो इसके लास्ट में कुछ था, मतलब वो ना, वो तो नहीं है अभी यार, वो एंड में आई थिंक जुल्फी भाई की डिसीजन थी, लेकिन फ्लूट ज्यादा बेहतर लगता है यार, मेरा ख्याल है वो फ्लूट जरा जो है वो ज्यादा इमोशनल सा उसका एंड छोड़ता है, उसका भी एक सीन था जो वो दूसरी वाली चीज थी, लेकिन एंड में मुझे लगता है इन वन डे ब्रदर लेस देन 24 आवर्स एक्चुअली ब्रदर, चलो अब रो के दिखाओ नंबर नंबर पे एक एक रो, चलो चलो रो के दिखाओ, अच्छा नहीं लगा मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं लगा यार, क्यों नहीं मतलब, तो फिर रो रो के दिखाओ ना फिर थोड़ा ब्रो, रो के दिखाओ, 1 2 3 चलो चलो, अब मैं मानूंगा रो के दिखाओ, चलो ब्रो मेरा ख्याल है 20 मिनट की तो होगी ये वीडियो, इससे इतनी कोई नहीं देखेगा, बंद कर देनी चाहिए ब्रो, मैं तो ऐसे ही बताऊं ब्रो मजा आया ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, सो मच फॉर लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत मजे का है, बट स्टिल बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हम लाहौर आएंगे और साथ में भी देखेंगे, हां ना आ जाओ, हम रिएक्शन के अलावा देखेंगे, ईद के बाद लगाओ चक्कर, ईद के बाद डन है ब्रो, डन हो गया ब्रो, तो गाइस ये था मानू, सही है गाइस ये था मानू, और आज के व्लॉग में हमारे साथ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अभी तुझे सही बानु दिखा वो पब्लिक के सामने वाला बानु था, ये सही बानु के सामने आए ये यार वी ट्रांसफर ही एक ही सोल्यूशन है, असल में एक वेबसाइट भी है ना उस पे, पता नहीं कुछ ये जो व्लॉगर्स है ना इस पे मीटअप इस तरह करते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, मगर मैंने कहा इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, पहले मैं सीखूंगा फिर उसको सिखाऊंगा, पता नहीं कोई है, बस मैंने कहा यार सिंपल वीडियो कर लेते हैं, वो मुझे सेंड कर देंगे, फिर उसको एडिटिंग में कर देंगे डन है, डन हो गया, हम आपको फिर वीडियो भी भेज देंगे दिखाने के लिए, हाँ डन है, और कौन सा इसमें मतलब लीवे जा रहे हैं सही है क्या कन्फर्म मैंने कहा फॉर्मेलिटीज रखते हैं, फिर मुझे पता चला ये तो बानु है ओके ब्रो, टेक केयर, टेक केयर, लव यू, लव यू सो मच ब्रदर, लव यू, پختو کی خبر اردو کی سب ٹائٹلز ایڈ کا یا اردو کی موگا چھے ہمارا سب ٹائٹلز بما تھا ڈیرا گرانی شکر اچھا اچھا جب سٹارٹ میں نے دیکھا تھا نا تو لٹرلی مجھے گوز پمز آ گئے تھے جب کورس آتا ہے نا برو ہاں کورس میں وہ جو سٹیج والا پارٹ آتا ہے ہاں وہ جو سٹیج والا پارٹ آتا ہے نا تو وہ بندے وہ کچھ کر دیتا ہے یار اصل میں یہ سٹیج والا مجھے اصل میں بٹ اگر میں گانے کے بارے میں کہوں نا یار ایک تو کورس مطلب اٹس ٹاپ کلاس ایڈکٹیو ہے یار بہت زیادہ بہت زیادہ اور یہ اس طرح کا اتنا کیچی ہے نا آپ کو
आप जब सुनते हो ना आपको पता लग जाता है कि यार मतलब मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि कुछ सॉन्ग होते हैं वो आप दो तीन बार सुनते हो फिर आप उसके साथ यूज्ड होते हो और ये इतना फ्लो में जाता है ना। दूसरी बात ये अगर आप वीडियो को देख ले मतलब गाने के साथ इतना सिंक हो रहा है ना, एक एक टाइप ऑफ वो मैंने जब इवन जो टीजर देखा ना मुझे लगा यार ये बिल्कुल हीरो मतलब मूवी वाली वाइब दे रहा है और आई वाज राइट, बिल्कुल उसी तरह की चीज शॉर्ट फिल्म थी एग्जैक्टली हाँ। एक शॉर्ट सी स्टोरी थी उसमें और उसमें जो डायरेक्शन थी बेसिकली जो जिस जब वो एक ये वाले सीन जो वहां पे दोनों खड़े होते हैं जो स्टार्टिंग में और फिर मानू का शॉर्ट आता है वो वाला बहुत कमाल का था। फिर उसके बाद वो जो मानू इस तरह बैठा होता है वो विंडो की तरफ देख रहा होता है और दूसरी तरफ अनुराल बैठी होती है मतलब वो उसे अपने ख्यालों में इमेजिन कर रहा होता है, वो जा रहा होता है और वो उसे अपने ख्यालों में इमेजिन, मेरा ये परसेप्शन बन रहा है कि फिर उसको उसकी वो स्टोरी दिख जाती है, मतलब वो उसे अपने स्क्रीन पे नहीं उसकी विंडो में उसको अपनी स्टोरी दिख जाती है, मतलब वो दिख जाती है उसे, उसे वही दिखती है और वो फिर उस स्टोरी में वो चला जाता है। असल में अगर इसका ये मतलब ना हुआ फिर मैं भी पूछूंगा उससे यहाँ पे बस ये अच्छी बात है ना कि हम डिफरेंट लाइक हम तो हर एक चीज के शलवार बनाते हैं तो इसका भी बना रहे कि यार मतलब कि देख लो कि इसका नैरेटिव कितना डिवाइड हो रहा है, हम अपना नैरेटिव बना रहे हैं तुम अपना बना रहे हो, बिल्कुल सही है बिल्कुल हर कोई अपना बना रहा है, मानू अपना बना रहा होगा नहीं उसे पता होगा एक्चुअल में स्टोरी क्या है क्योंकि उसने किया है एक्चुअल में, ऐसा ही तो हां मगर सिक्की अपना बना रहा होगा, सही बात उसका तो पता चल नहीं, मतलब यार सिक्की आई वाज सरप्राइज कि मुझे आई वाजंट सरप्राइज ब्रो obviously हां ना ब्रो बट आई वाज यार तुमने भी मुझे इतने टाइम में नहीं बताया कि यार सिक्की गाने में ब्रो तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हें बताया था नहीं बताया मुझे आई स्वेयर मुझे ब्रो तुम क्यों सरप्राइज हो मानू के हर एक गाने में सिक्की होता है ये बात तो है मगर को लाइक मुझे ये बिल्कुल असल में वो दोनों दोस्त है ना तो मानू के गाने में सिक्की आया ये मेरा दोस्त है और मैं हर कले में नहीं हूं जो कि हां यार ये बात है वैसे यार असल में वो उसका मैनेजर भी है ना तुम मेरे मैनेजर हो यार वो मेरा भी है जो भी है मुझे 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 डिबेट नहीं करना मुझे बहस नहीं करनी नहीं वो मैं उस वीडियो में नहीं हूँ वो उसका मैनेजर वो उसके साथ जो भी है यार मैनेजर की बात मैनेजर मैनेजमेंट पे तो उसे नहीं लिया गया ना चलो हर कली पर से बनाते हैं नहीं नहीं बस छोड़ो हो गया चलो हो गया यार अच्छा मैं बात बताता हूँ वो मेरा प्लान है भी मतलब अभी तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो अभी बनी नहीं है हाँ वैसे ये भी है यार उसमें हमें लोगों की भी जरूरत है ओके गाइस तो उसमें हम इस तरह कर रहे हैं नहीं नहीं उसमें हम इस तरह कर रहे हैं कि हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो तुमने हॉर्स राइडिंग करनी होगी सही फिट है मंजूर है ओके ओके तो कब रिलीज हो रहा है आपका गाना जिसको हम स्क्रीन पे देख सकेंगे वैसे वाकई में उसमें हॉर्स राइडिंग हो रही है ना करनी तो है? हॉर्स राइडिंग तो मतलब नहीं ऑब्वियसली नहीं मतलब क्यों मैं करूंगा मैं कोई टीपू सुल्तान थोड़ी हूं मतलब मैं इतना मुझे क्यों कुछ और मजे की चीज दो ना उसने उसने उससे हॉर्स राइडिंग कराई है तुम्हें यार मतलब क्यों इतने रिस्क लेते हो हॉर्स राइडिंग ब्रो कुछ ना कुछ थ्रिल तो मैं डालता हूँ वो नहीं डालता हूँ घर पर मैं तो डालता हूँ ब्रो नहीं यार मैं उसमें वो चलाऊंगा वो क्या कहते हैं जिसमें वो गाड़ी है क्या लेमो वो तुम चला सकते हो ये वाला पार्ट हम कट करेंगे क्योंकि एडिटिंग मैं कर रहा हूँ नहीं नहीं तुम मेरे लिए कोई स्टंट वाले को हायर नहीं कर सकते यार तो उसमें मैं तो नहीं हूँ ना हाँ वैसे ये भी है तो तुम्हें एडिट करके तुम्हारा सारा उसके ऊपर डाल देंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे मुझे वो फील नहीं आएगी ना मुझे पता लगेगा ये बॉडी मेरी नहीं है तुम्हें फील आ रही है मतलब जरूरी है तुम्हें फील आ रहा है एग्जैक्टली ऑल्दो बॉडी मतलब सही है बट स्टिल मैं चाहता हूं कि मेरी ओरिजिनल बॉडी भी हो ना फ्रॉम हेड टू टो जानजू जुजी बड़ा अच्छा लगा कॉफी मोफी उसको यार हां वाला बस कॉफी स्कूल सही है बस दो ना डेरा हुआ मना